बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीडी राइट करने का तरीकाकार हम लोग आज सीख रहे हैं, सही है। उसके लिए हम लोगों ने एक सीडी है, ब्लैंक सीडी, जो कि हम लोगों ने अपनी डीवीडी या सीडी ड्राइव में, जो आरडब्ल्यू ड्राइव है हमारी, उसमें हमने लगा दी है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे हम लोगों ने एंटर किया। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सीडी, हमारी जो ड्राइव है, वो आया के राइट कर भी सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास सीडी रोम्स होते हैं, डीवीडी रोम्स होते हैं, ठीक है, और डीवीडी राइटर्स होते हैं, सीडी राइटर्स होते हैं, चार मुख्तलिफ किस्म की जो है हमारे पास ड्राइव हैं। ठीक है, तो हमें ये भी पता करना है कि हमारा, हमारी ड्राइव कौन सी है। तो मैं नीचे जाके देखता हूँ। System reserve left parent G colon right parent. Devices with removable storage expanded. Devices with removable storage left parent one right parent row enter. DVD RW drive left parent G colon right parent. ठीक है, DVD RW drive left parent जो drive थी इसकी E की. R devices with removable storage expanded. DVD RW drive left parent G colon right parent. ठीक है जी, E drive है। अब जो ये जो RW जिसके साथ बोलेगा ना, R for read और W for write, ठीक है, इसके पास दोनों परमिशन है, दोनों एबिलिटीज हैं, परमिशन है इसको कि दोनों चीजें कर सकता है। ठीक है, ये रीड भी कर सकता है यानी कि प्ले भी कर सकता है, और राइट भी कर सकता है यानी कि रिकॉर्ड भी कर सकता है। ठीक है, अब ये लग गई, अब हम लोग वहां जाएंगे जहां से जो सी फाइल हमने इसको इसके अंदर राइट करवानी है। ठीक है, तो हमारी लोकल डी ड्राइव में, हमारी लोकल डिस्क डी में एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है जॉज का, जो हम लोग इसके अंदर राइट करना चाह रहे हैं। Devices with removable storage left hard disk drives expanded. System reserve left local disk left parent seed colon right parent. Local disk left parent seed colon right parent. Local disk में आ गए हम लोग। Enter local disk left parent seed colon right parent. Items new multi select list box. Not selected copy as dot 1/24/2018/353pm file folder 106. अब यहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से हमारा फोल्डर है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से फोल्डर में जाएंगे। S share common S shared dot lamp. S softwares. सॉफ्टवेयर का फोल्डर आ गया, इसको हमने एंटर सॉफ्टवेयर फाइल्स न्यू मल्टी सेलेक्ट लिस्ट बॉक्स नॉट सेलेक्टेड फॉर 1/24/2017/12/23/2017/4/23pm फाइल फोल्डर 1। ठीक है, अच्छा इसमें हम लोग जॉज देखते हैं कहां पे है। जॉज 17.0.1214n-86 विद ओसीआर फाइल। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने, अब ये जो हमारे पास जॉज 17 का एक फोल्डर आ रहा है, इसको हम लोगों ने अपनी सीडी के अंदर राइट करना है। इसके दो तरीके हैं, इसको यहां से हम कॉपी करके सीडी ड्राइव में जाके पेस्ट कर दें, एक तो ये तरीका है, सही है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इस फोल्डर के ऊपर एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं, जो शॉर्ट तरीका है। अच्छा, इसके अंदर आएगा सेंड टू सब मेन्यू। ठीक है, हम देखते हैं। Properties are rename and delete D, create shortcut, copy C, cut C, send to sub menu N. Send to sub menu आ गया, इसको मैंने खोला। Compress left parent zip right parent folder C. इसके अंदर DVD drive का ऑप्शन आ जाएगा। Desktop left parent create shortcut, copy C. Fax recipient F, mail recipient F, DVD RW drive left parent D, colon right parent D. DVD drive का ऑप्शन आ गया, तो मैंने एंटर कर दिया। Enter, leaving menu, software, items, new multi-select list box, JAWS 17.0.1214n-86 with OCR5, 11/9/2017, 10/2017pm, file folder 211. From the disk dialog, how do you want to use this disk? MAR06/2017, edit MAR06/2017, type in text. अच्छा, कह रहा है आप CD का नाम क्या, टाइटल क्या रखना चाह रहे हैं, बैंड करना चाह रहे हैं जिस भी डिस्क को। सबसे पहले उसने दिया, तो उसने करंट डेट दे दिया आज किसी ने ना, तो हम इसको ऐसे मिटा देते हैं, हम इसको लिख देते हैं बाय पी वाई स्पेस पी पी एस एफ। ठीक है, बाय पी बी एस एफ यानी कि ब्लाइंड पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के नाम से हम लोग इसका टाइटल दे देते हैं। ठीक है, tap like a USB flash drive radio button checked 1/1 to change the selection press up. ये एक ही ऑप्शन है, इसमें चेक लगा हुआ है। tap with a CD slash DVD player radio button checked 1/1 to change tap which one should I choose link. tap next button to activate. बस सिंपली इसके किसी चीज को छेड़ना नहीं है आपने, next button पे enter कर देना है। space software items new multi select list box jaws 17.0.1214 file folder 211 you have files waiting to be burned to this folder view the files now click this one copy and dialog cancel button to activate press space bar 0% 94% 100% dvd rw drive left parity. अभी ये क्या हुआ, आपकी cd के अंदर जो है ना ये फाइल कॉपी हुई है, बर्न नहीं हुई अभी आपकी cd में, अभी काफी सारी जगह और भी खाली होगी। अच्छा जी, ये क्योंकि cd है तो ये बात आपको मैं मेंशन कर दूं, सीडी की जो कैपेसिटी है ना वो होती है 702 MB, एक सीडी की कैपेसिटी है। ठीक है, यानी कि इतने साइज का डाटा जो है ना उसके अंदर 702 MB डाटा जो है वो एक सीडी के अंदर सेव हो सकता है। अच्छा,
इसके मुकाबले में जो डीवीडी है उसके अंदर एक डीवीडी के अंदर 4.7 GB का डाटा यूज हो सकता है, मतलब उसके अंदर सेव हो सकता है, ठीक है, यानी कि तकरीबन कोई 4 से 5 CDs का डाटा उसके अंदर आ सकता है एक CD के अंदर, एक DVD के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर ये एक चीज कॉपी कर दी है, Delete file dialog. Are you sure you want to move enter in my files waiting to be burned to this bulletin view of the file? JAWS 17 point... Files ready to be written to the disk. JAWS 17.0. Actually, we have opened drive ka folder. Bhi khol liya usne. All the four software. We will see if we have any other software, then we will put it in there. KM Spike 09, Kurzweil 1014.0 DVD. Kurzweil, we will try to put it in there, because Kurzweil has come to students. This software is also... Contest menu to navigate, press up or down arrow, escape, escape. Latest gold wave. PDF reader, total MP3, typeability, Winamp 5.9, typeability 4.2 for JAWS. Typeability, हम लोग जो है ये इसके अंदर. Applications, prompt, read, delete, create, short, copy, C, cut, T, send this up, compress left, DVD, RW, drive left, parent, D, hold right, parent, D. ठीक है, इसको भी हमने DVD पे एंटर कर दिया. Enter independent software, sign, seal, multi, select, list box, typeability 4.2 for JAWS, 12/23/2017, 4/23 PM, file folder, 8/11, in my files, waiting to be burned, to this bulletin to view the files now, click this balloon, copy and dialog, cancel button to activate, press space bar, 0%, 100%, software, item. ठीक है जी. अब आते हैं मेन जो हमारा काम है, जो हमने सॉफ्टवेयर को जो है ना बर्न करना है, इसमें ये सॉफ्टवेयर हमने इसके अंदर कॉपी करवा दिए, सही है, कहीं पे भी हो, आपके USB में हो, आप लोग वो वहाँ से सेंड कर देंगे इस DVD ड्राइव में, सही है, सेंड टू सब मेन्यू में आगे, सही है। अच्छा, ये बार बार देखें, हमें वो वार्निंग दे रही है, अलर्ट भी दे रहा है कि आपके पास फाइल्स हैं जो बर्न होने के लिए मौजूद है। Local disk left parent D, hold right parent, items view multi-select list box, software, boost, computer, items view multi-select list box, hard, system reserved, devices with, hard disk drive, devices with removable storage expanded, devices with, DVD, RW, drive left parent, D, hold right parent. ठीक है, DVD drive पे हम वापस आ गए, अब हम यहाँ पे करेंगे मेन काम जो हमने बर्निंग का काम करना है, इसके ऊपर आगे हम लोग एप्लीकेशन की प्रेस करेंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज खोलेंगे DVD drive के, ठीक है। Applications, context menu, the navigate, press up or down arrow, open, सबसे पहले ऑप्शन है open. Open the new window, E. Open autoplay, scan with Microsoft Security Essentials, S. Share with submenu, A. Burn to disk, T. क्या आ रहा ऑप्शन? Burn to disk, ठीक है? Burn to disk पे एंटर किया हमने. Enter, leaving menus, burn to disk, disk title, bold edit, type BBSF, type and text, alt plus D. फिर से पूछ रहा है, disk title क्या है आपका? By BBSF. ये हम लोगों ने पहले से क्योंकि सेट कर दिया था, तो इसलिए इसने यही टाइटल हमें दिखा दिया. ये वो टाइटल है जिसके नाम से CD बनेगी, तो जब भी हम लगाएंगे ना CDs को, जब चलाया करेंगे तो ये आएगा भाई इस नाम की CD आ गई है, जैसे कोई किसी की मूवी होती है तो उसके नाम से बनाई होती है, तो भाई फला नाम की मूवी है, कार्ड USB का, बिल्कुल जैसे कार्ड USB का नाम रखते थे हम लोग, वही इसी तरह का इस CD का भी नाम होगा, ठीक है। टैप किया हमने आगे, रिकॉर्डिंग स्पीड मांग रहा है, इसमें जो डिफॉल्ट उसकी स्पीड बन सकती है ना, वो उसने खुद ही बनता है, सेट किए इसको बढ़ाने से समटाइम क्या होता है तो सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, सही है, तो इसकी डिफॉल्ट स्पीड में हम रहने देते हैं इसको। क्लोज द विजिट आफ्टर द बर्न, सो बी बर्न चेक ऑफ नॉट चेक द चेक प्रेस स्पेस बार, क्लोज द विजिट आफ्टर आफ्टर द बर्न, शिफ्ट टैब रिंग टैब, क्लोज द विजिट आफ्टर द बर्न, सो बी बर्न चेक ऑफ नॉट चेक द चेक प्रेस आफ्टर द फाइल हैज बीन बर्न चेक बॉक्स नॉट चेक, यानी कि जब आपकी फाइल क्लोज जब बर्निंग कंप्लीट हो जाए तो विजिट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, कोई वार्निंग वगैरह नहीं देखे भाई, आपको बताए नहीं कि भाई हो गया आपका, ठीक है, तो हम लोग इसको नॉट चेक पे रखा अभी। नेक्स्ट आ गया ऑप्शन, सही है जी, अब हम नेक्स्ट करने के बाद इस CD में कोई चेंजेस नहीं कर सकता, जितना कुछ मुझे चेंज अगर कुछ करना था उसमें वो मैं अब से पहले तक कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट करने के बाद बस गई तो गई, सही है, तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। Space, cancel button to activate, press space bar, 1%. अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी CD की, ठीक है, ये तकरीबन कुछ मिनट लेगी, 2 से 3 मिनट लेती है, और ये जो है ना ये बर्निंग हो जाएगी, अब ये प्रोग्रेस बार बता रहा है, और इस दौरान आपका जो CPU है ना, आपका ROM है, वो इंतहाई दर्जे का ना वाइब्रेट होता है स्पीड में और साउंड प्रोड्यूस करता है, तो कभी ऐसा हो तो आप डर नहीं जाएगा कि आपके लैपटॉप में पता नहीं क्या होने लगा है, सही है ना, ये बर्निंग सही है, तो ये अब हो रहा है, हम देख लेते हैं कितनी देर लगाता है। 14% बर्निंग का मतलब ये होता है कि CD जो है ना, CD के दरमियान CD के जो बिल्कुल सेंटर वाली जगह होती है वो रिकॉर्डिंग सेव करती है अपने पास, और उस पर रिकॉर्डिंग जो होती है वो बर्निंग की जरूरत नहीं है, CD की वो जो सतह होती है ना वो जल जाती है, इसके अंदर जो
लगा हुआ लेंस है ना, वो इसको बंद करता है। सीडी अभी जब निकलेगी ना बाहर, आप देखिए सीडी गर्म होगी, वो जला देता है उसको। कैसेट्स पे देखिए आपने, कैसेट्स की वो दरमियान में जो रील होती है वो देखिए कभी, वो होती है जब रिकॉर्ड होने के बाद वो ऐसी होती है, आपको उसकी शक्ल से लगता है कि वो जली हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग बताता है जल के होती है। इस तरीके से सीडी जो है ना, इसमें भी बर्निंग होती है, लेंस जो होता है इसको जलाता है। 75% सीडी रिकॉर्ड करने के लिए इसमें जॉज की सीडी बनती है ये। हाँ, जॉज से बोल रहा, अभी सीडी को किसी भी कंप्यूटर में जाकर लगाओ, जॉज इंस्टॉल कर सकते हो उसमें। सीडी को याद रखिए, सीडी दो टाइप की होती है, सही है। सीडी एक होती है सीडीआर या डीवीडीआर, दूसरी होती है सीडीआरडब्ल्यू और डीवीडीआरडब्ल्यू। इसमें फर्क ये है कि जो सीडीआर होती है ना, बर्न दिस फाइल टू अनदर डिस्क। अगर अच्छा यही सारी फाइल आप एक और सीडी बनाना चाह रहे हैं, आप हो सकते आपके पास 8-10 ऑर्डर लाए हो, सही है, या सैकड़ों के हिसाब से भी ऑर्डर होते हैं जो कमर्शियल लेवल पे करते हैं ना, सीडीज बर्निंग का काम करते हैं, तो एक एक चीज सीडी की, एक एल्बम है किसी सिंगर की है, किसी नाथ खान की एल्बम है, तो उसकी कितनी कॉपीज बनती हैं, दिन में हजारों के हिसाब से बनती हैं। तो एक फोल्डर बना लेते हैं वो, उससे नेक्स्ट करते चले जाते हैं, वो रिकॉर्डिंग होती चली जाती है उसमें। उनके पास तो कमर्शियल लाइज सिस्टम होते हैं, बड़े सिस्टम होते हैं, लेकिन अगर एक छोटे लेवल की दुकान हो जिसे 8-10 सीडीज भी दिन में बनानी हो तो यही करते हैं ना। मैं भी अगर इसके अलावा एक दूसरी सीडी बनानी होगी तो मैं इस पर चेक कर दूंगा, तो चेक कर देंगे तो ये फाइल्स को डिलीट नहीं करेगा, सीडी ड्राइव अपने आप अंदर में से टेम्परेरी सेव रखेगा, सही है। मैं दूसरी सीडी लगाऊंगा और यहीं से नेक्स्ट कर दूंगा तो ये सेम ये ना फाइल उस पर भी कॉपी हो जाएगी, सही है। अच्छा टैप किया हमने, फिनिश आ गया। अच्छा फिनिश करूंगा तो मैं सीडी मेरी खुद ब खुद, बल्कि सीडी हमारी बर्न होने के बाद खुद ब खुद ही बाहर आ चुकी है, सीडी रोम खुद खुल जाता है। अब ये सीडी जो है हमारी बर्न हो चुकी है, इस वक्त मेरे हाथ में, ठीक है। इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले जो बता रहा था आपको कि अच्छा फिनिश कर दिया मैंने, वापस हमारे कंप्यूटर पे आ गया, सही है। देखिए वो सिर्फ उसके ड्राइव में आया, बर्न नहीं थे, वो सीडी में भी चला गया। वो हमने जो सेंड किया था ना, वो जो हमने कॉपी या सेंड किया था, वो हमने सी ड्राइव, डी ड्राइव में से जो ई ड्राइव है हमारी, सी डी ड्राइव है उसके अंदर डाला था, सही है। जो डेटा राइट करता है ना कंप्यूटर, क्या नाम है, कंप्यूटर जो सी डी के अंदर रिकॉर्ड करता है, उसी वो वाला डेटा रिकॉर्ड होता है जो डीवीडी ड्राइव या सी डी ड्राइव के अंदर होता है, और वो डेटा वहां से हमें उसके अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि उसमें उसका फायदा ही होता है कि भाई लोकल ई में हो सकता है, डी में हमने अगर फाइल रखी हुई है उसमें हो सकता है हमारे पास एक फाइल हो, सही है। लेकिन हमारी सी डी तो 702 MB मैंने आपको जैसे बताया कि वो सेव करती है, सही है। तो वो जो हम उसके अंदर कॉपी करेंगे ना लाके उसके ड्राइव के अंदर, अगर उसकी कैपेसिटी से बड़ा होगा डेटा तो एरर दे देगा कि भाई आपको इतने इतने जी बी एडिशनल या इतनी एम बी जो है ना एडिशनल स्पेस चाहिए इस फाइल को कॉपी करने के लिए, सही है। अच्छा सी डी आर डब्ल्यू और आर के बारे में बता रहा था कि सी डी आर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते वन, यानी एक बार उसने रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, टूट जाएगी सी डी, करप्ट हो जाएगी, लेकिन सी डी दोबारा उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दूसरी चीज भी नहीं कर सकते अगर हो सकता है, सही है। अब देखें जॉर्ज मसलन 300 MB का था, सही है, और बाकी चीजें मिला के कोई 200 MB की थी, 500 MB टोटल हो गए। हमारे पास अभी कितनी MB बची है, 200 के करीब तकरीबन MB हमारे पास बची है ना, अगर हम उतनी फाइल्स को राइट एक बार कर देंगे तो बाकी जो 200 MB है हमारी वो जाया हो जाएगी, उसको हम ये नहीं कर सकते एक बार 400 कर लें दूसरी बार 200 और कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। एक बार जब बर्न हो गई तो गई, लेकिन सी डी आर डब्ल्यू जो होती है तो री राइटेबल सी डी जो कह रहती है या डी वी डी भी होती है, उसमें ये ऑप्शन होता है कि आप एक ही सी डी को बार बार जो है ना उसके अंदर से डाटा डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, जस्ट लाइक योर USB, सही है। USB में क्या होता है, आप रिकॉर्ड भी कर देते हो बाद में डिलीट कर देते हो, सही है। लेकिन उसमें एक USB से पहले वो चलती थी, अभी वो ऑब्सोलीट हो चुकी है मार्केट से, क्योंकि अब उसका ऑल्टरनेट USB आ गई है, सही है। उसका जो ड्रॉबैक था वो ये था, एक तो उसके लिए हमारे पास CD राइटर का होना जरूरी है, उसके रिकॉर्ड उसकी जो है ना उसके होने के लिए, यानी कि उसको रिकॉर्ड करने के लिए और उसके अंदर से डाटा को खाली करने के लिए भी बनी, यानी कि जिस कंप्यूटर में सीडी राइटर ना हो उसमें हम लोग वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, हम सीडी रोम से डिलीट नहीं कर सकते थे उसको जाके, उसको खाली भी जो है ना
वो सीडी राइटर के थ्रू ही करना पड़ता था और दोबारा बर्न भी सीडी राइटर के थ्रू ही होती थी। और दूसरा ये वो सीडी बहुत सेंसिटिव जो है ना वो चीज़ है, सीडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जैसे आप यूएसबी में एक यूएसबी ले लें उसको चलाते रहे तो अर्सा दराज तक वो चलती रहती है, लेकिन सीडी इतना अर्सा नहीं चलती। सीडी में ज़्यादा से ज़्यादा आप 15-20 रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसके बाद तो स्क्रैचेज आ जाएंगे उस पर। तो इतनी रिलायबल सोर्स, रिलायबल चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना, सीडी। अच्छा, अब एक आखिरी चीज़, उसके बाद रिकॉर्डिंग को भी क्लोज करते हैं हम। सीडी ये जो बनी है इसको मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ कंप्यूटर के अंदर जो है ना, वो जो है मैंने इसके अंदर सीडी रोम के अंदर डाल के इसको अंदर कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे पास ये चलेगी। नेम उसने क्या बोला, बाय PBSF, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ एंटर करके। ये दो सॉफ्टवेयर हमने किए थे, सही है। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है ना ये बर्निंग का जो हमारा चैप्टर है ये क्लोज हो चुका है, ठीक है।